हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक्सीवी 700 डीजल मॉडल में पार्क रिजनरेशन अलर्ट के बारे में। आपको मैं बताऊंगा इसमें कॉजेस किस वजह से होता है, इसकी रीज़न और इसको कैसे फिक्स करना है। तो पहला कॉज है इसका इसके अंदर एक TPF फिल्टर होता है जो कि क्लॉग हो जाता है, उसकी वजह से ये अलर्ट आता है। इसकी वजह क्या है क्लॉग होने की? आप मल्टीपल शॉर्ट ट्रिप्स ले रहे होंगे या आप व्हीकल को स्लो स्पीड पर चला रहे होंगे। ओके, सो इस अलर्ट को फिक्स करने के हमारे पास तीन मेथड हैं: वाइल ड्राइविंग, सेकंड इज़ बाय पार्किंग एंड बाय सर्विसिंग। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्क रीजनरेशन की। ओके, सो पार्क रीजनरेशन मेथड के लिए हमारे पास फोर स्टेप्स हैं। फर्स्ट है हमें व्हीकल को ओपन एरिया में पार्क करना है, सेकंड उसको न्यूट्रल गियर में खड़ा करना है, थर्ड इज़ हमें ड्राइव इन्फो मेन्यू में जा कर के स्क्रॉल करना है जब तक हमें पार्क रीजनरेशन वाला आइकन अपीयर ना हो जाए, उसके बाद हमें कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे कि रीजनरेशन प्रोग्रेस में आ जाएगा एंड उसके बाद इसको कम से कम 20 से 30 मिनट लगेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें RPM जो है नियर अबाउट 2200 RPM के आसपास है और धीरे धीरे ये इससे भी ऊपर जाएगा। फिर यहाँ से ये फुली ऑटोमेटेड प्रोसेस है, अपने आप ये व्हीकल जो है इसे रीजनरेट करेगा, उसको DPF फिल्टर को अनक्लॉक करेगा। आप देख रहे होंगे आइकन आ रहा है एन के नीचे, ये रीजन और उसके बीच में टॉगल हो रहा है। एक बार फिक्स होने के बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिकली 900 RPM आ गया है एंड द न्यूट्रल पोजीशन। सो दैट्स हाउ आपका व्हीकल अब पूरी तरह DPF फिल्टर्स का अनक्लॉक हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर।